हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर हंट बैपटेक। फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था एंड्रॉयड की, यानी कि डाटा कैसे फेच कराते हैं हम अपने लिस्ट व्यू में एरे अडैप्टर के थ्रू, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो है एंड्रॉयड में स्लाइडर कैसे ऐड होते हैं। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट XML का है जिसको हम बोलते हैं व्यू फ्लिपर। व्यू फ्लिपर बेसिकली यूज़ किया जाता है एनिमेशन के लिए और स्लाइडर के लिए। इसके अंदर हम मल्टीपल टू और टू से ज़्यादा, यानी कि टू और मोर व्यू ग्रुप एडेड इन, यानी नो नो टू और मोर इमेजेस ग्रुप एडेड इन व्यू ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसके एट्रीब्यूट क्या हैं। देखो, एंड्रॉयड ऑटो स्टार्ट है, फ्लिप इंटरवल है, हम जो यूज़ करेंगे ये दोनों यूज़ करेंगे। दो XML के एट्रीब्यूट हैं, ऑटो स्टार्ट और फ्लिप इंटरवल। ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट करते हैं एनिमेशन को या स्लाइडर को, ठीक है। इसके अंदर हम पास करवाएंगे, ये बेसिकली दोनों को यूज़ करके हम एक स्लाइडर बनाएंगे। तो इसकी मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन भी थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ कि व्यू फ्लिपर बिटवीन टू और मोर व्यूज़ दैट हैव बीन एडेड टू इट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टू और मोर व्यूज़ को ऐड, इसमें हम ऐड कर सकते हैं व्यू, इसको हम व्यू एनिमेटर भी बोल सकते हैं। तो इसके दो एट्रीब्यूट हम करेंगे आज, ऑटो स्टार्ट और फ्लिप इंटरवल। तो इसको ऐड कैसे करते हैं हम अपने एंड्रॉयड में, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। और हम जाएंगे जहां हमने ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, आप अपनी कोई भी एक एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ कर लें, उसमें आपने एक व्यू फ्लिपर नाम का एट्रीब्यूट ले लेना है। उसका आपने एक आईडी देनी है, विड्थ हाइट जैसे आपको ठीक लगे। और अगर आप उसको पूरे यानी कि लेआउट पे चलाना चाहते हैं तो उसको मैच कर दें, अगर नहीं चलाना चाहते तो उसको आप विड्थ उसकी रैप कॉन्टेंट दे दें और हाइट अपने अकॉर्डिंग से मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके अंदर आप 3, 4, 5, 6 इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने 3 इमेजेस ऐड की, तो उसके लिए मैंने 3 इमेजेस ऑलरेडी ड्रॉबल में ऐड कर रखी हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे जावा में। ये तो हमने, यहाँ तो हमने ऐड कर लिया, यानी कि व्यू फ्लिपर के अंदर आप जितनी मर्जी इमेज व्यू ऐड कर सकते हो। और उसके बाद फिर जावा में जाने के बाद हमारी जो जावा की फाइल है वो है मैन, ठीक, और ये है। और उसमें आपने क्या करना है, सॉरी ये नहीं, ये है, ठीक है। और इसमें वैसे ही आपने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाना है व्यू फ्लिपर नाम का, और उसके बाद उसकी आईडी देनी है, सेम वैसे ही प्रोसीजर है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको वो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, फ्लिप इंटरवल। फ्लिप इंटरवल होता है इसके अंदर हमने अपना स्लाइडर कितने सेकेंड के बाद मूव कराना है, जैसे वो स्लाइडर अपने आप मूव होता जाए। तो उसके लिए हम सेम प्रॉपर्टी ये लगाएंगे जो हमने अभी देखी है, ये फ्लिप इंटरवल। तो इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही आप ऑब्जेक्ट का नाम व्यू फ्लिपर, और उसके बाद फिर डॉट सेट, सेट के बाद फ्लिप इंटरवल सेकंड पर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने सेकंड वैसे हम पास करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ठीक, और उसके बाद फिर हमने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट का भी हम एट्रीब्यूट था ये जो हमने यहाँ अभी एंड्रॉयड के में पढ़ा था, ऑटो स्टार्ट, ठीक है। और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी लीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्ट का नाम व्यू फ्लिपर डॉट स्टार्ट फ्लिपिंग, ये पढ़ा है सेकंड पर, ठीक है। बस इतना सा है कोड इसका। तो अब इसको हम आप रन करवा के देख लेते हैं कि कैसे इसकी आउटपुट हमको शो होती है। हमारा स्टार्ट हो चुका है।
एपीके इंस्टॉल हो चुका है हमारा, तो हम इसको देख लेते हैं आपके हमारी आउटपुट में क्या हो रहा है। ये है, ठीक है, और जिसमें हमने लगाया था उस एक्टिविटी का नाम, ऑल पर क्लिक करेंगे। तो ऑल पर क्लिक करने के बाद ये देखो आपके सामने रन हो रहा है, ये देखो अपने आप वो शो हो रहा है। तो ये था हमारी आज की वीडियो में कि आप स्लाइडर कैसे ऐड कर सकते हो अपने एंड्रॉयड में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिलीट की क्वेरी जो कि हमारी अभी चल रही है। तो आप अगर आपको कोई भी एंड्रॉयड के लेटर, जावा के लेटर कोई क्यूरीज हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।